केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। नीलेश मिश्रा के साथ इनका एक इंटरव्यू चल रहा था और इस इंटरव्यू में इन्होंने एकता कपूर के लिए जो सच का खुलासा किया है, ये सुनने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि आपको तो एकता से उसी वक्त दोस्ती तोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन आप आज तक एकता कपूर के साथ इस तरह की दोस्ती निभा रही है जैसे एकता कपूर ने आपके लिए कितनी महानता का काम किया हुआ है। आप एकता कपूर के साथ क्यों नजर आती हैं? कहानी ये है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी और रामायण करके सीरियल आता था जिसमें स्मृति ईरानी काम किया करती थी, इसी दौरान काम करने के दौरान वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। और सास भी कभी बहू थी, इसकी शूटिंग चल रही थी, उन्हें लगा कि उन्हें कुछ तो तकलीफ हो रही है। उसके बाद वो शूटिंग कंप्लीट करके घर की तरफ बढ़ती हैं और घर की तरफ जब बढ़ी रही होती है तो उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। वह हॉस्पिटल जाती हैं भीगती हुई बारिश में। जब वहाँ पर पहुँचती हैं तो वहाँ की जो नर्स होती है वो भी कहती है कि मैम आपके साथ एक तस्वीर लेनी है। फिर उसके बाद वो अपना प्रॉब्लम बताती हैं और उसके बाद उनका अबॉर्शन वगैरह करवाया जाता है क्योंकि जो बच्चा था वो खराब हो चुका था। इसके बाद ये बात वो एकता कपूर के जो क्रू मेंबर्स होते हैं उन्हें बताती हैं कि उन्हें इस तरह की तकलीफें हैं। ये बात एकता कपूर तक भी पहुंचती है लेकिन एकता कपूर कहती हैं कि नहीं, स्मृति को शूटिंग के लिए आना पड़ेगा। स्मृति ईरानी जाती है दूसरे दिन अपना हॉस्पिटल का सब कुछ रिपोर्ट वगैरह दिखाती है, लेकिन एकता कपूर काफ़ी नाराज नजर आती हैं और इतनी असहज नजर आती हैं कि पूछिए ही मत। क्योंकि एकता कपूर को लग रहा था कि ये मिस कैरेज वाली जो न्यूज़ बता रही है स्मृति ईरानी, ये झूठ बोल रही है। और स्मृति ईरानी का कहना था कि अब वो भ्रूण तो मेरे पास है नहीं, वरना मैं तुम्हें दिखा देती कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट देख लो। लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद भी एकता कपूर खुश नहीं होती है। वो सीधे सीधे तौर पर एकता कपूर कहती है कि मुझे कागज मत दिखाओ, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। अब मुझे अपने घर की EMI भरनी थी तो मुझे काम करना ही था और मुझे काम करना पड़ा। तो इतनी बड़ी चीज, मतलब आप फिल्म इंडस्ट्री में समझ लीजिए, टेलीविजन इंडस्ट्री में समझ लीजिए, ऐसे कई मौके आते हैं जहां पर एक्टर्स को गधों की तरह काम कराया जाता है। मतलब सिर्फ आपको काम करना है, पैसे लेने हैं और अपने घर निकल जाना है, यहां पर भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी स्मृति ईरानी का देख लीजिए कि वो आज भी एकता कपूर के साथ एक बेहतरीन दोस्ती निभाते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि ऐसे इंसान के साथ दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही नहीं रखनी चाहिए। और एकता कपूर तो न जाने क्या ही कैरेक्टर है कि ये सीरियल बनाकर तो देश का कबाड़ा कर ही चुकी है, जिस तरह के सीरियल बनाती है। अल्ट बालाजी पर तो इसने और भी कसरा करके रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी एकता कपूर जैसे लोगों को पद्मश्री मिल जाता है तो ये देश में जो डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए ये वाकई में अपमान वाली बात है कि पद्मश्री उन्हें दिया जाना चाहिए। और मिल कैसे लोगों को रहा है करण जौहर और एकता कपूर जैसे लोगों को जो ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते।